अगर आपको चाहिए एक टैबलेट 16,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ के अंदर, 16,000 या 15,000 या 20,000 की रेंज में, तो टैब ए सेवन सबसे बढ़िया चॉइस है। तो मैंने टैब ए सेवन लिया स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ सैमसंग की वेबसाइट से, और मुझे पड़ा 16,200 रुपीज़ का, 16,200 रुपये का। तो 16,000 रुपये में 10.4 इंच की स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, 3 GB की रैम और 32 GB रोम, ये कितनी वैल्यू है इसमें, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसका पूरा रिव्यू देखते हैं और पता करते हैं कि कितना अच्छा रिप्लेसमेंट है आपके लैपटॉप के लिए, अगर आपको एक लैपटॉप लेना है या फिर टैबलेट में डिसाइड करना है, तो देखते हैं कि ये कौन सा बेटर रहेगा, हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो फ्रंट कैमरा की है। तो जो अभी कैमरा की क्वालिटी आप देख रहे हैं, जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो सीधे इस टैबलेट से ही आ रही है। इस टैबलेट का बैक कैमरा अगर हम देखें, सेम कंडीशंस में रिकॉर्डिंग करने पे इस टैबलेट के बैक कैमरा में हमको थोड़ी सी नॉइज दिख रही है। मैं इस टैबलेट को अभी मूव ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, ये ठीक क्या है, ठीक कैमरा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। इसका बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का है, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल्स का है। दोनों ही फुल HD 1080p रिकॉर्डिंग करते हैं, 1080p 30 FPS पे। इसकी फोटोज़ ठीक आती हैं, इसकी फोटोज़ भी बहुत अच्छी नहीं है, ब्राइट लाइट में ऑब्वियसली बेटर फोटोज़ आती हैं, जैसे कि अभी मैं लेता हूँ। अगर मैं बैक की फ़ोटो लूँ,
इसके कैमरा में हम देख सकते हैं कि कई सारे मोड्स हैं, जैसे वीडियो, फोटो, लाइव फोकस मोड भी दिया गया है। अगर हम वीडियो या फोटो मोड में जाएं, दोनों में से किसी मोड में, तो हम देख सकते हैं कि एक वाइड एंगल व्यू है और एक नैरो व्यू है या जूम व्यू है। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि अगर आपकी फ्रेम में दो लोग आते हैं, अगर मेरे साथ कोई और पीछे हो और उसका फेस डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वाइड एंगल व्यू में चला जाता है। और ये फिलहाल मुझे करने नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली ये जूम आउट कर लेता है और एक डिफरेंट व्यू मिलती है। इसके साथ ही प्रो मोड दिया गया है। प्रो मोड केवल फ्रंट कैमरा पे सॉरी बैक कैमरा पे काम करता है। प्रो मोड में आप आईएसओ एडजस्ट कर सकते हैं, आपका वाइट बैलेंस हो गया, एक्सपोजर एक्सेट्रा। पैनोरामा मोड है। पैनोरामा मोड सिंपली एक लंबा सा वाइड शॉट लेने देगा आपको। हाइपरलैप्स है, जहां पर आप इस बेसिकली स्नैपड्रैगन को किसी भी तरह से होल्ड करेंगे और जितनी लंबी वीडियो होगी वो एक शॉर्ट कंप्रेस वीडियो बन जाएगी। एक फूड मोड है जिसका मुझे कोई खास सेंस नहीं लगता। और एक यहाँ पे मोर है, लेकिन यहाँ से मैंने सारे ऑलरेडी यहाँ पे कर दिए हैं मोड्स। वापस जाता हूँ प्रो मोड पे, हम सेटिंग्स को देखते हैं ज़रा इसकी सेटिंग कैसी है। प्रो मोड पे नहीं, हम फोटो मोड पे वापस जाते हैं, सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पे आपको सीन ऑप्टिमाइजर मिलेगा जिसमें वो ऑटोमेटिकली सीन ऑप्टिमाइज हो जाता है और कलर्स बैलेंस हो जाते हैं। मैं इसको ऑफ रखता हूँ। क्यूआर कोड्स ऑटोमेटिकली स्कैन कर सकता है, आप अगर शटर बटन को दबाए रहेंगे तो जिफ बनेगा। सेल्फी एंगल्स ऑटोमेटिकली जब दो लोग आए तो फिर वो जूम आउट कर लेता है, वाइड एंगल व्यू में चला जाता है। और प्रीव्यू करना है पिक्चर को या फिर आपको रिवर्स करना है, ये ऑप्शन भी है। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो सेल्फी की टोन को एडजस्ट करना है, वॉर्म या कूल टिंट देना हो तो। यहाँ पे वीडियो एफिशिएंसी की बात हो रही है तो HEVC फॉर्मेट में करना है कि नहीं, वीडियो स्टेबलाइजेशन करना है कि नहीं, ऑटो HDR, ग्रिड लाइंस, लोकेशन टैग्स, बहुत सारी सेटिंग्स हैं ऐसी जो इसमें आपको दी गई हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आप अपनी स्टोरेज लोकेशन चूज कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज इसमें केवल 32 GB है, बट 32 GB सफिशिएंट नहीं है और उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कैमरा के अलावा हम दूसरी ऐप्स पे आते हैं। यह है गैलरी ऐप, ये स्टॉक गैलरी ऐप है। कॉन्टैक्ट्स ऐप में ऑब्वियसली आपके सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये है आपका कैलेंडर ऐप। कैलेंडर ऐप में आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया स्टॉक ऐप इसमें इसकी फाइल ब्राउजर ऐप लगी है। फाइल ब्राउजर ऐप में आप देख सकते हैं कि आपकी इंटरनल स्टोरेज में क्या क्या एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, क्या क्या आपके SD कार्ड में पड़ा हुआ है। इसमें एक SD कार्ड स्लॉट भी है साइड में, और यहाँ से आप अपनी स्टोरेज भी एनालाइज कर सकते हैं। ये सिंपल आपकी क्लॉक ऐप है, जैसे सैमसंग की स्टॉक क्लॉक ऐप होती है। यहाँ पे आप अपने अलार्म्स एडजस्ट कर सकते हैं, ये वर्ल्ड क्लॉक मिल जाएगी आपको, एक जगह पे आपको स्टॉप वॉच मिल जाएगी, यहाँ टाइमर मिलेगा, बाकी ऐप्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए उस पर आते हैं, देखते हैं Geekbench 5 पे कैसे इसके स्कोर्स रहे हैं। तो ये टैबलेट कोई बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टैबलेट नहीं है। मैंने Geekbench ऑलरेडी रन करके देखा हुआ है इस पर। तो इसका सिंगल कोर स्कोर 308 है और मल्टी कोर 1114 मिला मुझे सिंगल रन पे। और ये चार्जिंग पे था, पावर सेविंग मोड ऑफ था। और अगर हम कंप्यूट मोड की बात करें, अगर हम GPU की बात करें, गेमिंग की बात करें, जहाँ पे हमको गेमिंग में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो वल्कन में 492 और OpenCL में 385। ये स्कोर्स जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी स्कोर्स एक गैलेक्सी S8 प्लस या गैलेक्सी S8 डिवाइस जो कि 2017 में रिलीज हुआ था, वो भी इसको पार कर जाता है। तो ये डिवाइस एक्चुअली काफ़ी वीक है। इसमें ये गेमिंग या किसी हैवी ड्यूटी पर्पस के लिए नहीं बना है, भले ही आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं। हम जरा CPU Z पे जाके देखते हैं। तो CPU Z हमको बताता है इसमें स्नैपड्रैगन 665 है जो 2 GHz चलता है। इसमें 8-कोर प्रोसेसर है। इसमें से सारी की सारी कोर्स एक्टिवेटेड हैं। 4 कोर्स हाई एफिशिएंसी कोर्स होती हैं और 4 कोर्स आपकी हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं।
एडिनो 610 GPU है इसमें, 10.4 इंचेस की डिस्प्ले है 2000x1200 पिक्सल्स की 225 DPI के साथ, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसमें आपको रैम मिलती है 3 GB की, एंड्रॉयड 11 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेंसर्स हैं, इसमें एक्सेलेरोमीटर, इसमें मैग्नेटिक सेंसर है, इसमें लाइट सेंसर है ऑलरेडी दिया हुआ है, जायरोस्कोप, रोटेशन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं बेसिकली। क्या हम इतने पावर से काफ़ी ज़्यादा काम ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर मैं अपनी प्रोफाइल से साइन आउट करूँ, एक चीज़ जो इस टैबलेट में बहुत ही बढ़िया है वो ये है कि इसमें आप यूज़र प्रोफाइल्स बना सकते हैं जो कि आईपैड में नहीं है। आईपैड मेरी, मैंने जिस जो इसके लिए पे किया, मैंने 16,200 रुपीज़ पे किए। आईपैड अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट पे ख़रीदते हैं तो आपको 28,000 का पड़ता है, तो 28,000 और 16,000 के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 12,000 रुपीज़ का। लेकिन आईपैड में तब भी आपको क्वाड स्पीकर्स नहीं मिलते, इसमें क्वाड स्पीकर्स हैं दोनों तरफ। क्वाड स्पीकर्स क्या बल्कि मैं कहूँगा इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दोनों साइड स्पीकर्स हैं, काफ़ी अच्छे और लाउड स्पीकर्स हैं। बट आईपैड में आपको दोनों साइड स्पीकर नहीं मिलते, केवल एक ही साइड स्पीकर मिलता है। प्लस आईपैड में आपको एक मल्टी प्रोफाइल ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आप प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हैं। ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगी। ये मेरी प्रोफाइल है, एक अलग प्रोफाइल बनाई है मैंने अपने भाई के लिए, एक प्रोफाइल मेरे घर के लिए। अगर मैं उसको चेंज करूँ तो स्विचिंग टू होम, ये स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। इस टैबलेट में एक और फीचर है जो कि है डबल टैप टू वेक। ये अभी भी स्विच कर रहा है, अब ये स्विच कर चुका है और ये हम आ गए एक नई प्रोफाइल पे। आप देख सकते हैं इसका लेआउट डिफरेंट है, इसमें ऐप्स कम है। जो ऐप्स मेरी प्रोफाइल में थी वो इस प्रोफाइल में नहीं है और जो ऐप्स इस प्रोफाइल में आएंगी वो मेरी प्रोफाइल में नहीं होंगी। जैसे कि इस प्रोफाइल में व्हाट्सएप है जबकि मेरी प्रोफाइल में व्हाट्सएप नहीं था। तो व्हाट्सएप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका किसी मोबाइल में काम करता है। आप इसमें वीडियो कॉल, स्टेटस सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी मोबाइल फ़ोन में करते हैं। बेसिकली ये फंक्शन कर सकता है बड़े मोबाइल फ़ोन की तरह। बाकी सारी ऐप्स सेम हैं, बस इसमें जो पार्ट डिफरेंट है वो है इसके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, इसकी अपनी ऐप्स हैं। लेकिन इसमें गैलरी में आपको वो फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो दूसरे किसी यूज़र ने खींची होंगी। तो ऐप्स भले ही आपकी लिमिटेड हों, ऐप्स आपकी अपनी हो, लेकिन फ़ोटोज़ ये शेयर कर लेता है। टोटली डिफरेंट नहीं है ये, कंप्यूटर्स की तरह नहीं है, बट फिर भी इसमें कुछ हद तक यूज़र सेपरेशन है। जैसे मेरी सेटिंग्स मेरी अपनी सेटिंग्स है, मैंने अपनी सेटिंग्स में इसको 5 मिनट तक के लिए स्क्रीन टाइम आउट लगा रखा है, जबकि इसमें 1 मिनट या 2 मिनट का स्क्रीन टाइम आउट लगा हुआ है। डिफ़ॉल्ट है 30 सेकेंड्स का, इसलिए जल्दी से बंद हो रहा था। अगर मैं वापस अपनी प्रोफाइल पर जाऊँ, इसमें आप देख सकते हैं इसमें नाइट मोड ऑफ है, मेरी प्रोफाइल में नाइट मोड ऑन था। मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। ये मेरा फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन है, ये फेस आईडी की तरह नहीं है, सिंपल फेस रिकॉग्निशन है। तो ये किसी फोटो से या फिर आपके सिंपल आँख बंद होने वाले चेहरे से भी फूल हो सकता है। ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, ये बस एक सिंपल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। चलिए इसकी सेटिंग्स देखते हैं। ये क्विक सेटिंग्स है, इसमें आपको दिखेगा कि मेरा वाईफाई, इसमें आपको दिखेगा आपकी वाईफाई सेटिंग्स हैं, ये साउंड सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, रोटेशन, फ्लाइट मोड, पावर सेविंग मोड इसमें एक अलग चीज़ है। पावर सेविंग मोड में अगर आप देखें तो इसमें लास्ट ऑप्शन भी है, लिमिट एप्स एंड होम स्क्रीन। तो बेसिकली ये मैक्सिमम पावर सेविंग मोड पर चला जाता है। अगर मैं इसको ऐसा ही ऑन कर दूं तो ये सिंपली थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेगा और सीपीयू स्पीड को 70% तक लिमिट कर देगा, और ये बताता भी है आपको कि कितनी पावर सेविंग में बैटरी लाइफ मिलेगी आपको।
लेकिन अगर आप ये लास्ट वाली सेटिंग को ऑन करते हैं और अब इसको ऑन करें, तो देखिए 4 days and 19 hours की आपको पावर सेविंग बैटरी लाइफ मिलेगी। अगर मैं इसको अब ऑन करूं तो बेसिकली टैबलेट खुद को एकदम लॉकडाउन मोड में डाल देता है और इस तरीके से मैक्सिमम पावर सेविंग मोड आ जाती है। खैर, मैं पावर सेविंग ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। आप देख सकते हैं इसका प्रोसेसर कोई बहुत ही ज़्यादा स्नैपी प्रोसेसर नहीं है। ये आई कंफर्ट शील्ड सिंपली आपका ब्लू लाइट फिल्टर है। इसके ब्लू लाइट फिल्टर में एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप टैबलेट को रोटेट करेंगे, अगर आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में रोटेट करते हैं, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में रोटेट करते हैं, तो 1 सेकेंड का डिले होता है। वो ऑन होके ऑफ हो जाता है, ऑफ होके ऑन हो जाता है। वो स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक मुझे लगता है कभी कभी। ये सिंपली लोकेशन है, GPS, स्मार्ट व्यू, अगर आपके आसपास कोई स्मार्ट TV है तो ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। डू नॉट डिस्टर्ब मोड, सिंपली सारे नोटिफिकेशंस या फिर कुछ और चीज़ें, अलार्म्स को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब उसको स्टॉप कर देता है। कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, इसके लिए अगर मैं इस पर टैप करूँ, तो ये ऑन होने में टाइम ले रहा है, बट बेसिकली इसको आपको अपने फ़ोन से लिंक करना पड़ेगा। अगर आपने इस टैबलेट को अपने फ़ोन से लिंक कर दिया, तो मैंने किया नहीं है, बट ये आपको कॉल या टेक्स्ट करने देगा इस डिवाइस, इस टैबलेट के थ्रू। डॉल्बी एटमॉस सिंपली इसके स्पीकर्स की साउंड को बढ़ाने का काम करता है, बट मुझे उतना इफेक्टिव लगता नहीं है। क्विक शेयर सैमसंग का एक नया फीचर है, जो सैमसंग के फ़ोन्स अगर आपके अराउंड हैं, जो भी एंड्रॉयड 10 तक अपडेटेड हैं, वो तुरंत शेयर कर सकते हैं कोई भी फाइल को। बस उनको एक तरफ टैप को इसको से टैप करना होता है, और दूसरे वाले को जो रिसीव कर रहा है उसको सिंपली रिसीव बटन दबाना होता है और तुरंत शेयर हो जाती हैं फाइल्स, बेसिकली एयर ड्रॉप की तरह है। सिंक सिंपली आपके अकाउंट्स को सिंक करता है। सैमसंग किड्स, ये किड्स मोड है जिसमें आप बेसिकली लॉकडाउन कर सकते हैं अपने टैबलेट को। किड मोड को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। फोकस मोड आपको बताया, फोकस मोड बेसिकली, फोकस मोड बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए, बेसिकली यहाँ पे आप अपने स्क्रीन टाइम, ऐप टाइमर्स ये सब सेट कर सकते हैं कि आपका वर्क टाइम क्या है, आपका अपना टाइम क्या है, बेड टाइम रूटीन वगैरह वगैरह। यहीं से आपके पेरेंटल कंट्रोल्स भी सेट होते हैं। ये नियर बाई शेयर है, नियर बाई शेयर दूसरे एंड्रॉयड फोन्स के साथ भी काम करता है। डार्क मोड जो मैंने लगा रखा है ये वही है, मैं इसको हटा दूं तो ये सब कुछ वाइट हो जाता है, बट मुझे डार्क मोड प्रेफरेबल लगता है। और यहाँ से आप सीधे सीधे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। डिवाइसेस से आप अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और मीडिया से आप अपने जो भी मीडिया इसमें है उसको आप इसी पे प्ले कर सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी स्मार्ट डिवाइस पे, स्मार्ट TV वगैरह पे प्ले कर सकते हैं। यहीं से आप सर्च भी है, शट डाउन भी है, शट डाउन या पावर ऑफ, रीस्टार्ट, सब कुछ। और यहाँ से आपकी मेन सेटिंग्स भी हैं। मेन सेटिंग्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फोन्स पे होती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो हम देखते हैं, ये टैब A7 है और इसका मॉडल नंबर SMT500 है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाते हैं, इसमें आपको वन UI कोर 3.1 मिलेगा और एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलेगा, और इसका लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी लेवल पैच 1st of May है। बाकी ऐप्स बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। कॉल ऑफ ड्यूटी बिल्कुल सही काम करता है। मैं थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ।
contact with enemy. एक एक्सेप्शन है जो इसमें काम नहीं कर रहा है फिलहाल, वो है GTA San Andreas। अगर आप GTA San Andreas को रन करें तो वन UI वर्जन 3.1 पे GTA San Andreas एग्जैक्टली क्रैश कर जाता है। और ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड 11 और वन UI कोर 3.1 के साथ है। तो एग्जैक्टली इसी वर्जन पे, इसी एंड्रॉयड वर्जन पे, इसी सैमसंग के एंड्रॉयड वर्जन पे ये GTA San Andreas क्रैश कर रहा है। तो मैंने दो ही गेम टेस्ट किए फिलहाल इस पर। कॉल ऑफ ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली चलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी की बात करूं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली डार्क नहीं है, वो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ये TFT स्क्रीन है। और लेफ्ट स्लाइड में स्लाइटली LED की ब्लीडिंग है। इसको आप पॉपअप व्यू में भी देख सकते हैं। तो हमने देखा कि इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बस लेफ्ट साइड में मुझे स्लाइट ब्लीडिंग सी लगी लाइट की, बट कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है कि इसकी प्राइस को वो जस्टिफाई ना करे। अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, अगर आप गूगल मीट और इसके वर्क रिलेटेड चीज़ों की बात करें, गूगल डॉक्स पे आप बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। ये मैंने डार्क मोड लगा रखा है इसलिए इस तरीके से आ रहा है। बट आप इसमें किसी भी ब्लूटूथ कीबोर्ड को लगा सकते हैं। इन पर्टिकुलर मैं रिकमेंड करूंगा लॉजिटेक का K480 कीबोर्ड। गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स भी एकदम नॉर्मली काम करता है। इनफैक्ट इसमें काफ़ी बड़ा इस एक स्प्रेडशीट का एरिया मिलता है आपको काम करने के लिए बिल्कुल नॉर्मली। गूगल स्लाइड्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इनफैक्ट गूगल स्लाइड्स मुझे पे काफी बढ़िया लगा। जो एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा वो ये है कि आप इसमें लर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो सी फॉर ड्रॉइड, C++ और सी के लिए सबसे बढ़िया IDE है जो कि इसमें बिल्कुल अच्छे से काम करता है। इसमें मैंने सिंपल प्रोग्राम्स लिखे हैं, आप इसमें सिंपल प्रोग्राम्स लिख के उसको रन कर सकते हैं। और अगर मैं मीट की बात करूं, गूगल मीट हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो मीट पे आपको कुछ वैसी ही वीडियो क्वालिटी मिलेगी जैसे कि आपको मिल रही थी फ्रंट कैमरा से। मीट में वीडियो क्वालिटी स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। लर्निंग के लिए मैंने और चीज़ें भी देखी जैसे लिंक्डइन लर्निंग, यूडेमी, एडेक्स, ये सभी बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है ऐप्स सारी की सारी। डिस्कवरी प्लस अगर आपको एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए कुछ देखना है तो भी अच्छे से काम करता है। प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स भी एकदम नॉर्मली काम करते हैं। स्पॉटिफाई इसमें बढ़िया काम करता है एकदम नॉर्मली, आप इसमें पॉडकास्ट सुन सकते हैं या गाने सुन सकते हैं। बेसिकली ये टैब वीडियो कॉलिंग के लिए, गाने सुनने के लिए और मूवीज़ देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए सबसे बढ़िया है, बट ये काम करने के लिए उतना तेज़ नहीं है।
जो एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि कई लोग नोवा लॉन्चर या फिर ऐसे लॉन्चर्स यूज़ करते हैं। जब मैंने नोवा लॉन्चर यूज़ किया इस पर, तो नोवा लॉन्चर स्लाइटली लैगी था। जब मैं उससे होम पे जा रहा था तुरंत वो होम पे नहीं आ रहा था, वो थोड़ा सा लैग कर रहा था। तो नोवा लॉन्चर मैं इस पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास नोवा लॉन्चर प्राइम है, लेकिन मैं उसको यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इस पर परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, वो एकदम स्मूथ नहीं है। जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस टैबलेट के अलावा, वो इसका केस है। तो ये केस अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ ले रहे हैं तो ये आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा। ये इसका बुक कवर केस है। मैं इसको अलग कर सकता हूँ और यहाँ पे दो मैग्नेटिक अटैचमेंट्स हैं, एक इस तरफ है जो कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली आके टैबलेट को रखता है, और इसका थोड़ा सा आगे भी एक मैग्नेटिक अटैचमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। एक इस एंगल पे है और एक इस एंगल पे है, और जब आप इसको क्लोज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, पीछे पकड़ने में एकदम सॉलिड और स्मूथ है। सैमसंग की ब्रांडिंग आगे है, पीछे कोई खास ब्रांडिंग नहीं है, पीछे एक कैमरा का कटआउट है। इसका कवर मुझे सिंपल और अच्छा लगा, बस यहाँ स्लाइटली एजस मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद वेयर आउट हो जाएंगी, बट उसके अलावा ये टैबलेट काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये 16,000 रुपीज़ में, अगर आपके पास 16,000 रुपीज़ स्पेंड करने के लिए हैं और आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई डिवाइस चाहिए या फिर आपको सिंपल किसी काम के लिए चाहिए, अगर आपको बेसिक वर्क के लिए चाहिए, तो ये डिवाइस आपके लिए है।